है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरह रिप्रेजेंट कर। यहाँ पे बताओ ये किस फॉर्म में गिवन है, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह गिवन है कि नहीं, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे? फर्स्ट वाला देखो, ए पार्ट इसका यहां पर है 4, 5 बाय 6, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6 4 24 में ये वाला 5 को प्लस कर दो। ठीक है, कितना बना, ये बना 29। ठीक है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज लिख दो। क्लियर है? ठीक है, हो गया ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। चलो अब देखते हैं हम अपना बी पार्ट। यहां पे हमारे पास 6 1 बाय 7, क्या करोगे, 6 7 जार 42, ये वाला ऐड कर दो। देखो याद रखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 43, डिनोमिनेटर में 7 है, वो लिख दो। ठीक है, इजी है ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलो सी पार्ट करते हैं, 10 3 बाय 5, क्या करोगे, 10 5 जार 50, प्लस कर दो 3, हो जाएगा 53। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 लिख दो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।